हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ज़ुबैदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुगलाई चिकन कोरमा। तो उसके लिए हमने 3 किलो चिकन ले लिया था, उसे अच्छे से विनेगर में वॉश करके रख लिया था। उसके बाद हमने इसे फ्राई कर लिया है, फ्राई करके रख लिया है। ये 6-7 प्याज ले ली थी हमने, उसे काट करके इसे हमने पीस लिया है। 4 से 5 टमाटर ले लिया है, इसे भी हमने पीस लिया है। 2 लेमन ले लिया है। मूंगफली थोड़ी सी ले ली है, इसे भिगो के रख दिया। हम इसे इसका अभी पीस के पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें पोस्ता का दाना ले लिया है, और थोड़ा सा एक टुकड़ा नारियल का ले लिया है, 3 से 4 काजू और 6-7 बादाम ले करके इसे भिगो दिया है पानी में। इसका भी हम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये हमारे खड़े गरम मसाले हैं, ये सब पिसे हुए मसाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ये बड़ा सा भगोना ले लिया था, इसमें हमने प्याज को फ्राई करके रखा हुआ है। उसी ऑयल में हमने वही ऑयल हमने यूज़ किया है, उसको हमने इसमें डाल दिया है। ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे। ये जावित्री ले ली है हमने, एक दालचीनी की लकड़ी, सिनेमन स्टिक, 3 बड़ी इलायची, 20 लौंग है और 20 काली मिर्च है और 10 छोटी इलायची है, थोड़ा सा जीरा है और ये छोटा सा टुकड़ा जायफल का है। इन सभी को हम इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा सा तेज पत्ता है, ये भी जाएगा। ये सारे खड़े गरम मसाले इसमें डाल देंगे। होने देते हैं। अब ये हो गया है। हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। भून लेंगे थोड़ा सा, पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम मसाले निकाल लेते हैं। थ्री केजी हमारा चिकन है, तो हम इसमें लेंगे 15 टीस्पून यानी 15 चम्मच धनिया, 6 ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर 6 टीस्पून, 6 टीस्पून 6 चम्मच डालेंगे, 2 3 4 5 6। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो इस हिसाब से आप अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, मुगलाई चिकन कोरमा है तो इसलिए फूड कलर थोड़ा सा कलरफुल अच्छा लगेगा। आप चाहे तो ऐड करें, आप चाहे तो स्किप कर दें। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करके रख लेंगे। ये देखिए हमने इसका पेस्ट बना के रख लिया है, इसे साइड पर रख देंगे। चलिए देखते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे। ये हमने 6 पिसी हुई प्याज, प्याज को काट के पीस लिया था, ये डाल देंगे। और इसे अच्छे से भून लेंगे, इसका कच्चापन खत्म होने तक पकाते रहेंगे। ये देखिए प्याज हमारी, किसी भी प्याज हमने जो डाली थी वो हो गई है।
तैयार हो जाए उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे जो हमने मसाला बना के रखा था डाल देंगे। हम इसे भी भून लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे ये 6-7 पिसी हुई हरी मिर्च। इसे ढक्कन से बंद कर देंगे, ये पक भी जाएगा, पकते पकते यानी कि भून भी जाएगा। जब भून जाएगा ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। हम इसमें डाल देंगे दही, दही हमारी जम गई थी फ्रिज में रखी थी, दही डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये पिसे हुए टमाटर, इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, इसे पकने देंगे। नमक शामिल करके, नमक ऐड करके इसे हम पकने के लिए रख देंगे। हमने इसमें 6 चम्मच 6 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक ऐड कर दिया है, हम इसे पकने देंगे। ये देखिए मसाले हमारे भुन गए हैं। हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। इसके बाद ये काजू बादाम पोस्ता नारियल और मूंगफली का जो पेस्ट हमने बना के रखा है इसे भी डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें 2 लेमन जूस ऐड कर दिया है। अब ये फ्राई की हुई प्याज इसे भी डाल देंगे। और 2 टीस्पून हमने होममेड गरम मसाला ले लिया है इसे भी डाल देंगे। इतना बचा लिया है तैयारी पे डालेंगे, मिक्स करेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे 20 से 25 मिनट तक। तो ये देखिए हमारा मुगलाई चिकन कोरमा रेडी हो गया है। हमने इसमें हरी धनिया डाल दी थी और अब इसमें थोड़ा सा ये 1 चम्मच 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे। ये मुगलाई है तो थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। और अब ये रेडी हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा केवड़ा भी ऐड करेंगे, उसके बाद इसे ढक्कन से बंद करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और जो हमने मसाला गरम होममेड गरम मसाला डालने के लिए बोला था लास्ट में उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके थोड़ी देर के लिए ढक्कन से बंद करके रख देंगे, उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मुगलाई चिकन कोरमा रेडी है। हम इसके ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। थोड़े से बादाम जिसके हमने रखे थे उसे डाल देंगे।
थोड़ी सी देसी घी ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा मुगलाई चिकन कोरमा रेडी है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। अल्लाह हाफिज़।